दिल्ली के कंझा वाला कांड पर एफआईआर से बड़े खुलासे। कृष्ण विहार के शनि बाजार में लड़की का एक्सीडेंट, सूत्रों के हवाले से खबर। एक्सीडेंट करके आरोपी कंझा वाला की ओर भागे। जॉन्टी गांव के पास कार रोकने पर बॉडी का पता चला। बॉडी को वहीं छोड़कर आशुतोष के घर भागे आरोपी, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। ध्यान से देखिए एफआईआर में अब क्या लिखा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए। आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना आशुतोष से कार लेकर गए। ये देखिए आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना आशुतोष से कार लेकर गए। 31 दिसंबर को शाम 7 बजे आशुतोष के घर से कार लेकर गए। नेक्स्ट देखिए अब आप क्या हुआ। कृष्ण विहार के शनि बाजार में स्कूटी सवार लड़की का एक्सीडेंट होता है। रात का वक्त है, लड़की का एक्सीडेंट करके पांचों आरोपी कंझावाला की ओर भागे। ध्यान से देखिए कंझावाला में जॉन्टी गांव के पास गाड़ी रोकी तो कार के नीचे लड़की दिखी। फिर क्या हुआ, सभी लड़के लड़की को वहीं पर छोड़कर आशुतोष के घर भाग गए। 1 जनवरी को सुबह 5 बजे कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में वापस की। फिर आरोपी अमित दीपक ने आशुतोष को शराब पीने की बात बताई। आरोपी दीपक ने पुलिस को बताया कि गाड़ी वो चला रहा था, यह भी इंफॉर्मेशन है। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस मामले में इनको पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद भी ये वहां से भाग गए। इस सब के बीच में कंझावाला कांड में अब तक 6 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। सभी सीसीटीवी वीडियो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। इन 6 सीसीटीवी फुटेज से घटना का पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। इन्हें एक दूसरे से जोड़कर कुछ थ्योरी और भी सामने आ सकती है। आप खुद देखें रिपोर्ट। इकतीस दिसंबर की रात दिल्ली के कंझावला इलाके में क्या हुआ। एक बेटी को एक कार बेरहमी से 12 किलोमीटर तक क्यों घसीटती रही। नए साल पर दिल्ली में सुरक्षा के तमाम दावे फिर किस लिए थे। घंटों उस बेटी से बेरहमी पर दिल्ली पुलिस क्यों सोती रही। 6 सीसीटीवी वीडियो में दिल्ली की एक बेटी से बर्बरता के सनसनीखेज कई सबूत। सबूत ऐसे कि दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी दिखेगी। यह कंझावला इलाके में वारदात से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज नंबर 1। सड़क सुनसान है, रात के अंधेरे में ये बेटी स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रही है। 20 साल की ये बिटिया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। परिवार वालों का कहना है कि न्यू ईयर पर एक इवेंट में काम के लिए घर से बाहर निकली थी। ये दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी देखिए, ये भी घटना से ठीक पहले का है। यहाँ भी ये बेटी स्कूटी से जाती हुई दिख रही है। अब तक सब कुछ सामान्य है, आरोपियों की कार भी नजर नहीं आई है। ये है घटना का सीसीटीवी वीडियो नंबर 3। तारीख 1 जनवरी 2023, समय रात के 2 बजे। कैमरे के फ्रेम में एक बलेनो कार नजर आती है, हेडलाइट ऑन है। चंद सेकंड में ही कार में सवार आरोपी किसी को आगे जैसे डिपर से इशारा करते हैं। कार यहां कुछ सेकंड के लिए रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। TV9 भारत वर्ष के पास इस घटना का 4th सीसीटीवी मौजूद है। 1 जनवरी 2023 को रात के 3:05 का ये खौफनाक मंजर। ये वही कार है और उस कार के नीचे किसी की बॉडी घसीटती हुई साफ दिख रही है। ये कार 1 घंटा पहले सड़क पर एक जगह डिपर से किसी को इशारे दे रही थी। फिर इसी कार से इस बेटी को घसीटा जाता है जो थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल सही सलामत स्कूटी पर सवार थी। तो समझने वाली बात यह है कि रात 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में 20 साल की ये बेटी कार के नीचे आ गई। ऐसा क्या हुआ कि आरोपी उस बेटी को करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते रहे। ऐसा क्या हुआ कि कंझावला इलाके की पुलिस को इसकी हनक तक नहीं लगी। अभी इस घटना का 5वां सीसीटीवी वीडियो सामने आना बाकी है। तारीख 1 जनवरी 2023, रात 3:28। इसमें भी कार के नीचे वो बॉडी घिसटती हुई नजर आ रही है, यानी कि
सीसीटीवी नंबर 4 और 5 के हिसाब से रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर लड़की को कार से घसीटते हुए अब तक करीब 23 मिनट हो चुके हैं। इस घटना का छठा वीडियो और ज्यादा दिल दहलाने वाला है। 1 जनवरी 2023 रात के 3:34 यहाँ भी कैमरे में वो कार दिखती है। थोड़ी दूर चलकर कट से यू टर्न लेती है। जैसे ही कार यू टर्न लेती है वैसे ही कार के नीचे बॉडी फिर से नजर आती है। यानी कि सीसीटीवी नंबर 4 और 6 में समय के अंतर के हिसाब से देखें तो लड़की को कार से घसीटते हुए अब तक करीब 29 मिनट हो चुके हैं। यानी कि बेटी से बर्बरता का ये आधा घंटा तो सीसीटीवी में साफ साफ रिकॉर्ड है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उस बेटी से अत्याचार की ये कहानी इससे और पहले से शुरू हुई हो।